Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए शनिवार को सिद्धार्थ ने तीन गाड़ियों को टक्कर मार दी। उन्हें 5,000 का जुर्माना देने के बाद जमानत दी गई। यह कार दुर्घटना शनिवार को मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई थी। पुलिस के अनुसार सिद्धार्थ तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जिससे उन्होंने संतुलन खो दिया और टक्कर हो गई। तीन गाड़ियों को टक्कर के बाद सिद्धार्थ की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ की BMW शनिवार शाम 6 बजे के आसपास श्रीजी होटल के पास से गुजर रही थी, तभी उनकी गाड़ी इनोवा कार से टकरा गई। इस टक्कर से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया। उन पर धारा 289, 336, 377 और 427 के तहत मामला दर्ज किया गया, फिर पूछताछ शुरू की। आपको बता दें 2014 में भी सिद्धार्थ ने ऐसे ही एक हादसे का सामना किया था। सिद्धार्थ बालिका वधू में अपने रोल के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी हिस्सा लिया था, जिसमें वह काफी पसंद किए गए थे। पिछली बार वह सीरियल दिल से दिल तक में भी नजर आए थे। सिद्धार्थ वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं।